अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि PST JST के लिए साइंस बहुत ही लाजमी है। 25 क्वेश्चन साइंस के, तो मैंने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक में आप जो साइंस के क्वेश्चन हैं होते हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो ये दूसरी वीडियो है, इसमें अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहीं से देख लेना, ठीक है। ये जो चैप्टर है क्लास 4 का, दो चैप्टर है, टू चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस ज़मीन पे दो चीज़ें, दो किस्म की चीज़ें हैं, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, द लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, वन एनिमल्स एंड टू प्लांट्स। जो लिविंग थिंग्स है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कौन से, एक एनिमल और दूसरा प्लांट्स में। ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड्स सनलाइट, एयर, फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, ओके। आखिरी क्वेश्चन है, बेसिक थिंग्स विदाउट देम लिविंग थिंग्स आर नॉट सर्वाइव आर सनलाइट, एयर, फूड, वाटर। ये सनलाइट, एयर, फूड, वाटर बेसिक थिंग्स है जिसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ करेक्टराइस्टिक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ओके। द करेक्टराइस्टिक्स का जो ट्रांसफ़र होता है बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ व्हिच एन एनिमल एंड प्लांट्स पासिस थ्रू टू रीच द एडल्ट स्टेज, स्टेजेस आर कॉल्ड लाइफ साइकिल, ओके। जो स्टेजेस होती है ग्रोथ की, चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट्स की, उस स्टेजेस को हम लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई लाइफ साइकिल, जैसे कि ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, पहले एग होती है, बटरफ्लाई का एग होता है, फिर एग के बाद कैटरपिलर होता है, फिर कैटरपिलर के बाद एक पुपा बनता है और उसके बाद बटरफ्लाई बनता है, ठीक है। ये आपको लाजमी याद रखना है, ठीक है, लाइफ साइकिल वाला। और इसमें है फ्रॉग, फ्रॉग लाइफ साइकिल। इसमें क्या है, पहले फ्रॉग लाइफ साइकिल में फ्रॉग स्पिन होता है, फिर टेडपोल्स होता है, फिर फ्रॉगलेट होता है, फिर जाके फ्रॉग बनता है, ठीक है। इसमें बी लाइफ साइकिल, ओके। बी का क्या होता है, एग, पहले एग होता है, फिर लर्वा होता है, फिर पिपा होता है, फिर जाके बी बनता है, ठीक है। नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सनलाइट, एयर, फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स के जो ज़रूरत होती है वो सनलाइट होती है, एयर होती है, फूड और वाटर होता है, ये बेसिक थिंग्स है, ओके, लिविंग थिंग्स के लिए। करेक्टराइस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर ब्रीथ, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस, ओके। ये जो ब्रीथ है, ग्रो है, मूव है, रिप्रोड्यूस, वो करेक्टराइस्टिक्स है किसके, लिविंग थिंग्स के, ओके। ये और लिविंग थिंग्स का अपोजिट है नॉन लिविंग थिंग्स, ये चार ही चीज़ों नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती, ठीक है। तो इन दोनों में यही फ़र्क होता है, ठीक है। स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स कॉल्ड लाइफ साइकिल, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स है उसकी ग्रोथ की जो स्टेजेस होती है उसको लाइफ साइकिल कहते हैं। फूड ग्रुप्स आर कार्बोनेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये जो चार पांच है, ये पांच फूड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जो कार्बोनेट्स हमें मुख्तलिफ सब्जियों या फ्रूट्स में मिलती है, प्रोटीन्स, जो फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ओके। फ्रॉम मीट मिल्क एग्स पल्सेस प्रोवाइड अस प्रोटीन्स। जो मीट और मिल्क और अंडे होते हैं और जो पल्सेस होती हैं उसमें हमको प्रोटीन्स मिलती है, ठीक है। फैट्स आर फाउंड इन ऑयल,
बटर एंड मेरग्रेन, ठीक है। फैट्स किस में होती है? ऑयल में होती है, बटर में होती है और मेरग्रेन में होती है। फैट्स आल्सो फाउंड इन सीड्स एंड नट्स, फैट्स सीड्स में भी होती है और नट्स में भी होती है, ठीक है। फैट प्रोवाइड टू अस एज मच एनर्जी एज द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट जो होती है वो दुगनी एनर्जी प्रोवाइड करता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन ए प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए जो होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करती है, ठीक है। विटामिन बी कम्प्लेक्स प्रिवेंट्स वेरियस स्किन डिजीज, कीप द नर्वस सिस्टम हेल्थी एंड प्रिवेंट पेरी पेरी डिजीज। विटामिन बी कम्प्लेक्स क्या करता है? प्रिवेंट करता है स्किन की डिजीज़ को, मुख्तलिफ स्किन की डिजीज़ को, और कीप द नर्वस सिस्टम हेल्दी, और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको हेल्दी रखता है विटामिन बी में, ओके। एंड प्रिवेंट बेरी बेरी डिजीज़, ओके। तो ये डिजीज़ का आपको लाजमी को पढ़ना है क्योंकि डिजीज़ का क्वेश्चन आप सैम्पल पेपर में दिया गया है IBA सखर वालों ने, ठीक है। तो मेन फोकस आपको डिजीज़ पे रखना है। विटामिन सी फाउंड इन ऑरेंज, गावा, लेमन, मेनली फ्राम सर्किट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन सी जो होती है वो ऑरेंज में होती है, गावा होती है और लेमन में होती है, और ये अक्सर सिट्रस फ्रूट्स में होती है और वेजिटेबल्स में होती है। और इसमें विटामिन सी स्ट्रेंथनेस द इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट्स अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। विटामिन सी जो ताकत देता है वो इम्यून सिस्टम में, ओके, और प्रिवेंट्स करता है किस डिजीज़ को? स्कर्वी को, ओके। विटामिन डी फाउंड इन मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, सनलाइट। विटामिन डी मिल्क दूध में मिलता है और कॉड लिवर में और सनलाइट में। विटामिन डी स्ट्रेंथनेस बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी में बोन्स और टीथ मजबूत होते हैं, ठीक है। एंड प्रिवेंट्स डिजीज कॉल्ड रिकेट्स, और रिकेट्स की जो डिजीज़ होती है उसको प्रिवेंट करता है। विटामिन के फाउंड इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन के जो हमें हासिल होता है वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हासिल होता है। विटामिन के इंक्रीजेस और असिस्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स व्हिच क्लट द ब्लड। विटामिन के वो हमारी बढ़ाता है और मदद करता है इसमें प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, ठीक है। जो वो प्लेटलेट्स हमको ब्लड क्लटिंग करने में मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स 21 एसेंशियल मिनरल्स। हमारी बॉडी 21 एसेंशियल मिनरल्स की ज़रूरत होती है, 21 मिनरल्स की, ओके। आयरन इज़ अ मिनरल, इट मेक्स रेड ब्लड सेल्स। आयरन मिनरल होता है और आयरन ब्लड को रेड ब्लड सेल्स बनाता है, ठीक है। आयरन इज इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फॉर एनर्जी कन्वर्जन। आयरन जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है और एनर्जी कन्वर्जन होती है उसमें मदद करता है। डिफिशेंसी ऑफ आयरन कॉजेस एनीमिया। आयरन की डिफिशेंसी, कमी की वजह से अनीमिया होती है, ठीक है। डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज रिकेट्स, कैल्शियम की कमी रिकेट्स का सबब बनता है, ठीक है। एवरी थर्ड चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान हैज़ डिफिशेंसी ऑफ आयरन। पाकिस्तान के हर तीसरे बच्चे को कमी है आयरन की, ठीक है। द एंड लिखा हुआ है, ये यहीं पर ख़त्म हुआ। ये 2 चैप्टर हो गए, तो इंशाल्लाह जल्दी में 4th चैप्टर लाऊंगा आपके लिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्दी वीडियो नेक्स्ट आ जाएगी। चैप्टर 4 विल बी अपलोडेड टुमारो इंशाल्लाह, ओके। अल्लाह हाफिज़।